यूपी के बुलंदशहर पहुंचे वर्ल्ड पीस हारमनी उपाध्यक्ष फैज सैफी शिकारपुर कोतवाली में इमरान द्वारा मुस्लिम समाज के पाक किताब कुरान पाक को जलाने और मुस्लिम समाज के खिलाफ अपशब्द बोलने को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग करते दिखे फैज सैफी। आला अधिकारियों से मुलाकात कर इमरान को फांसी से बढ़कर सजा की मांग करते दिखे हर फैज सैफी। फैज सैफी के साथ यूट्यूबर सुहेल नंबरदार भी दिखे। सुहेल नंबरदार और फैज सैफी की एक झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ एकत्रित हो गई और उनके साथ इमरान को फांसी की सजा की मांग करने लगे। फैज सैफी बुलंदशहर के अलग अलग कस्बों में पहुंचे। बुलंदशहर के दामड़ा अड्डा गांव अगौता खानपुर साथ ही साथ मांगराम त्यागी के आवास सियाना भी पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया और चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान समारोह किया गया। बुलंदशहर से नाम है आपका? मेरा मोहम्मद फैज सैफी है। कौन सी संस्था चला रहे हैं आप? मेरी वर्ल्ड पीस हारमनी है, जो कि एक मानी जानी हस्ती नितिन गडकरी जी जिसके चीफ पैट्रॉन बने हुए हैं। आज मेरे फादर हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शकील सैफी। आज जैसे कि कल मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो मैंने देखी जिसमें कुरान शरीफ को जलाया गया जिस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी सज़ा जो है फांसी से भी अगर कोई भड़के हो तो मैं ये कहूँगा, सरकार से अनुरोध करूँगा कि इसको वो सज़ा दी जाए। जैसे कि उसने जो है इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब के भी बारे में जो है अपशब्द बोला है, इस्लाम धर्म को बुरा भला कहा, कुरान पाक को जलाया, तो इसके अलावा जो है या शिकारपुर के अलावा और भी थाने में आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे क्या? देखो, इसके खिलाफ मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से लेके दिल्ली सरकार से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर मुझे जाना पड़ेगा इस केस के सिलसिले में, तो मैं वहां तक भी जाऊंगा। ये नबी की गुस्ताखी में जो इसने कदम उठाया है, ये किसी तरीके से भी बख्शा नहीं जाएगा, ना हम बख्शेंगे ना ये, तो पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का मुसलमान कोई भी ऐसे घिनौनी हरकत को कोई भी नहीं बख्शेगा। हालांकि इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, उसको अरेस्ट कर लिया है, जेल भेज दिया है। सीओ साहब से अभी हम थाने से शिकारपुर में मुलाकात अभी करके आए हैं और उसके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी वो उसका प्रयास करेगी। जो आपका बुलंदशहर आना हुआ है, किस मकसद से आना हुआ है, या कुछ ज्ञापन दिया है किसी प्रकार को लेकर, जो किसी प्रकार को लेकर कार्रवाई की मांग की है?
हाँ, जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जिसमें जो व्यक्ति इमरान नाम का है, और बड़ी शर्मनाक बात है कि एक मुसलमान होके इस प्रकार का कदम उसने उठाया। और जैसे ही मैंने कल वीडियो देखी तो मैंने अपनी टीम वर्ल्ड पीस हारमनी के थ्रू सारी यूपी के ग्रुप में सारे कॉन्टेक्ट करे, तो फिर मेरी जो है फ़ोन पे बात हुई सीओ साहब से। उसके बाद फिर मैंने अपने संस्था की वर्ल्ड पीस हारमनी की लोगों के साथ जाके थाने में गया, सीओ साहब से मिला। सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि उसको अरेस्ट भी कर लिया है और उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, उसको वो कार्रवाई को अंजाम देंगे। आपका आश्वासन क्या है परिवार के लिए? परिवार के लिए